हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जियोलॉजी। आज हम क्रिस्टलोग्राफी के एक अनदर एपिसोड नंबर 8 में बात करेंगे जोन के बारे में, जोन एक्सिस के बारे में एंड जोन सिंबल्स के बारे में, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है क्रिस्टलोग्राफी में, क्यों इनकी स्टडी की ज़रूरत पड़ती है हमें, वो हम देखेंगे, और इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। तो आइए हम जोन को पहले एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम देखेंगे उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। सपोज़ ये एक कोई क्रिस्टल है, क्योंकि हम क्रिस्टलोग्राफी की बात कर रहे हैं तो हम इसको एक क्रिस्टल की तरह एग्ज्यूम करेंगे। अभी देखो, आप नोटिस करो इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये आपको डिफरेंट जो ये आउटर बाउंड्री दिख रही है इसको हम क्रिस्टलोग्राफी में क्या बोलते हैं, एजेस बोलते हैं, है ना। ये डिफरेंट एज है, ये अलग एज है, ये अलग एज है, ये अलग है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट एजेस हैं इस क्रिस्टल के। इसके अलावा और आपको दिख रहे होंगे, ये वाला जो एरिया है, एक एरिया ये दिख रहा है आपको, दूसरा ये दिख रहा है, तीसरा ये दिख रहा है, तो ये क्या है, इसके एक मेजर फेस हो गए, है ना। इस क्रिस्टल के अलग अलग फेस हैं। अब देखो थोड़ा सा और इसको डिटेल करते हैं इस डायग्राम को। अभी देखो ये दो लाइन ऐड करने के बाद क्या हुआ, ये जो बड़ा वाला फेस था इसको हमने अलग अलग 1, 2, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये 3 अलग अलग फेस हो गए जो कि अपने डिफरेंट एजेस के साथ घिरे हुए हैं। तो 1, 2, 3 फेस यहाँ हो गया, ये चौथा हो गया। अब और इधर फर्दर डिटेल करोगे इसको तो ये इसका 5वां, 6ठा और 7वां फेस। तो ये 7 डिफरेंट फेसेस आपको इस क्रिस्टल में दिख रहे हैं। अब थोड़ा सा और गौर करो, आप नोटिस करोगे तो ये जो क्रिस्टल के फेस हैं और इसका जो ये वाला एज है और ये और ये, ये क्या है, आपस में देखोगे ये पैरेलल है। सिमिलरली इस फेस में देखोगे तो ये वाली लाइन, ये एक दूसरे के पैरेलल है। ओके, तो यहीं से जोन को हम डिफाइन करेंगे। तो जोन क्या होता है, बेसिकली जोन जो होता है एक कॉम्बिनेशन ऑफ फेसेस होता है जिसका एजेस जो होता है एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो यहाँ से कह सकते हैं कि ये वाला जोन एक हो गया और ये वाला, जहाँ की यहाँ भी देखो ये पैरेलल हैं, ये डिफरेंट फेसेस हैं, तो ये जोन 2 हो गया। अब जैसे कि ये 4 वाले को देखोगे तो क्या है, जैसे कि इसका एक ये एज है, दूसरा एज ये है, तो ये भी आपस में पैरेलल है। ओके, सिमिलरली ये वाला जो लाइन है और ये वाला, ये भी पैरेलल है। तो क्योंकि यहाँ से पैरेलल ये है और यहाँ से पैरेलल ये है, तो ये वाला जो है ना, ये दोनों जोन में कॉमन आता है, ये फेस दोनों जोन में कॉमन है, पर्टिकुलरली हम इस क्रिस्टल फेस के अगर बात करें तो। चलो थोड़ा सा और डिटेल करते हैं ताकि हम इसको और अच्छे से समझ सकें। अब सिमिलर यही डायग्राम है। अब इसमें देखो क्या हुआ कि बेसिकली ये जो, जैसे कि हम फेस की बात कर रहे हैं तो फेस होता क्या है, एक्चुअली हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि फेस का डेफिनेशन मैंने आपको बताया था। फेस एक्चुअली क्या है, वो एक एक्सटर्नल एक्सप्रेशन होता है किसी भी क्रिस्टल का, कि उसका इंटरनल एटॉमिक प्लेन कैसा है या फिर अरेंजमेंट कैसा है। तो अब देखोगे जो ये वाला जैसे कि फेस बनाता है, ये एक्चुअल में क्या है, यहाँ से नोटिस करो तो इसी का ये एक्सटेंशन है। ओके, अगर ये 3D में आप देखना चाहो तो ये क्या है, एक पूरा प्लेन है। ओके, ये अंदर तक है। सिमिलरली ये वाला लाइन भी एक प्लेन बता रहा है। ओके, जो कि इसका इंटरनल अरेंजमेंट को दिखाता है। तो यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हुई। इसके अलावा इसमें अब नोटिस करो तो क्या है, ये जो ये है क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है। ओके, जैसे कि हमने पहले भी बात किया था, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, जोन और मिलर इंडेसिस, ये सब जो है ये हम क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही मेज़र करते हैं। तो यहाँ पे भी सिमिलरली ये क्या सी एक्सिस है इसका, ये बी एक्सिस है और ये इसका ए एक्सिस है, इसलिए ये 1 है और 0, 1, 0 है और ये 0, 0, 1 है। ओके, तो ये हो गया। चलो अब इसका देखते हैं कि एग्जैक्ट डिफिनेशन इसका क्या है, वो हम देखते हैं। सो अ जोन इज अ कलेक्शन ऑफ फेसेस विथ पैरेलल एजेस, जैसा कि हमने डायग्राम में डिस्कस किया। ए जोन इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ क्रिस्टल फेसेस दैट इंटरसेक्ट इन पैरेलल एजेस। सिमिलर वही डिफिनेशन है, बस यहाँ ये इंटरसेक्ट इन पैरेलल एजेस की बात कर रहा है। सिंस द एजेस विल बी पैरेलल टू अ लाइन, ओके, वी कैन डिफाइन दैट द डायरेक्शन ऑफ द लाइन यूजिंग अ नोटेशन सिमिलर टू मिलर इंडेसिस। अब देखो, अब इस लाइन को हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। सिंस द एजेस विल बी पैरेलल टू अ लाइन, ये बोल रहा है कि जो एजेस होंगे वो पैरेलल टू अ लाइन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो ये एजेस हैं, है ना, ये वाला अगर पर्टिकुलर फेस की बात करें तो ये क्या है कि एक लाइन के पैरेलल है ना। अब वो लाइन क्या है,
अब जैसे कि यहाँ पे ये ए एक्सिस जो है इसका, ये देखो इसके ये पैरेलल है ना, क्योंकि अब ये हम इसी को ए के ही पैरेलल क्यों बता रहे हैं, क्योंकि देखो नेक्स्ट लाइन क्या बोलता है, वी कैन डिफाइन दैट द डायरेक्शन ऑफ द लाइन यूजिंग अ नोटेशन सिमिलर टू मिलर इंडिसेस, क्योंकि सिमिलर टू मिलर इंडिसेस की बात हो रही है कि जैसे हम मिलर इंडिसेस को नोटेशन देते हैं उसी तरह इसको भी देना है। तो मिलर इंडिसेस में जैसा कि क्या होता है, क्रिस्टलोग्राफिक की एक्सिस के रेफरेंस में देते हैं, तो इसलिए ये ए के पैरेलल हमने इसको ढूंढा कि ये जो इसके एजेस थे किस के पैरेलल है। ओके सिमिलरली अब जब इस फेस में बात करो तो इसके एजेस जो हैं पैरेलल हैं किसके, ये जो सी एक्सिस है ना, सी के पैरेलल है। ओके तो यही, तो इसी के बारे में बात हो रही है इस लाइन में। तो इसको जो, इस लाइन को जो हम देंगे नोटेशन करेंगे उसी को कहते हैं क्या, जोन सिंबल। ओके जैसे कि अब इस लाइन के अगर इस फेस की बात करें जिसके एजेस पैरेलल है किसके, इस लाइन के, अब इस लाइन को हमने क्या नोटेशन दिया, 100 किसके बेसिस पे, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के बेसिस पे। ओके सिमिलरली अब अगर इसके हो हम नोटेशन देना हो इस वाले फेस को, इस वाले फेस को अगर नोटेशन देना हो तो क्यों, क्या दिया इसको, क्योंकि ये सी एक्सिस के पैरेलल है तो इसको दिया हमने 001। तो ये जो नोटेशन दिया है इसी को बोलते हैं जोन सिंबल। ओके अब देखो यहीं पे एक टर्म है जोन एक्सिस। जोन एक्सिस भी क्या होता है, जोन एक्सिस भी इसी को बोलेंगे हम, क्योंकि जोन एक्सिस में क्या होता है कि एक लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ क्रिस्टल जाती है जो कि पैरेलल होती है जो डिफरेंट फेसे होते हैं उसके एजेस के। तो सिमिलरली जो जिसको हम नोटेशन देते हैं ना और वो अगर क्रिस्टल के सेंटर से होके जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, जोन एक्सिस। समझ में आ गया, जोन एक्सिस भी क्या होता है, वो लाइन जो कि एजेस के पैरेलल होता है और वह थ्रू द सेंटर ऑफ क्रिस्टल क्रॉस करता है, तो जोन एक्सिस। तो यहाँ पे जोन एक्सिस क्या हो गया, 100 जोन एक्सिस भी हो गया और उस लाइन का रोटेशन, उस लाइन का नोटेशन भी हो गया जो कि हमारे इस फेस के जोन को डिनोट करता है। ओके अब देखो नेक्स्ट लाइन है, द जोन सिंबल लुक लाइक अ मिलर इंडेक्स बट इट इज इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। ओके अब इसको जब लिखते हैं तो क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में हम इसको लिखते हैं जोन को, याद रखेंगे यहाँ से जब भी जोन को हम डिनोट करेंगे इसका नोटेशन देंगे तो वो हम स्क्वायर ब्रैकेट में देंगे। जैसे इस वाले को दिया तो 100 स्क्वायर ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जोन को स्क्वायर ब्रैकेट में देंगे क्योंकि ये याद रखने वाला है और इसी के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा क्या था हमारा, 001। ओके ये दो नोटेशन हो गए। अब देखो इस केस में क्या था कि जो फेसेस हैं वो पैरेलल है एक दूसरे के, बट हर एक क्रिस्टल में ऐसा तो नहीं होता कि हर फेस एक दूसरे के पैरेलल होता है। जिस केस में पैरेलल नहीं होगा फेस उसका, उस केस में हम कैसे जोन को डिमार्केट करते हैं या फिर उसका नोटेशन देते हैं वो हम देखते हैं। चलो ये एक क्रिस्टल है, इसका हम दो ऐसे फेस को चुनते हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। अब देखो ये वाला फेस एंड ये वाला फेस, ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है बट इसके एजेस को देखोगे आप तो क्या ये एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन फेस पूरा ये यहाँ पे अगर 3D में आप देखने की कोशिश करो इसको तो ये वाला फेस एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो एक दूसरे को कट कर देगा फेस, लेकिन इसका जो एज है ये देखो ये पैरेलल है एक दूसरे के। तो इसको हमने, इस दोनों को सेलेक्ट किया। अब ये दोनों फेस क्या थे, 110 एंड 010 ये फेस थे। चलो अब इसका हमें जोन बताना हो तो कैसे बताएंगे, तो ये आपने अपने बुक में देखा होगा, ये फॉर्मूला होता है कि जैसे कि ये ऊपर वाला हाइपोथेटिकल है कि अगर पता नहीं हो कि यहाँ तो नोटेशन दिया हुआ है हमें, अगर नहीं पता हो जैसे कि दिया हुआ है H K L, ये एक फेस है, दूसरा है P Q R, ये दूसरा फेस है। ओके अब इन दोनों का अगर हमको निकालना हो तो कैसे करते हैं, H K L लिखेंगे, फिर H K L लिखेंगे, फिर इसके नीचे हम P Q R। अब जो पहला वाला होता है और दूसरा लास्ट वाला होता है इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं हम, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब हमारे पास क्या बच गया, K L H
के, इसके नीचे क्यू आर पी क्यू। अब सिंपल सा क्या करते हैं, इसको जब आपने मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स को सॉल्व किया होगा तो आपको याद होगा, है ना, इसको फिर सॉल्व करेंगे इस तरीके से। तो क्या करते हैं, के इंटू आर माइनस एल इंटू क्यू, ओके। फिर ये एक हो गया, कॉमा देंगे, फिर ये अब नेक्स्ट वाले में जाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करना है इसको इससे मल्टीप्लाई करके, तो एच इंटू पी माइनस एच इंटू आर, ओके। फिर कॉमा, फिर क्या होगा, एच क्यू माइनस पी के, ओके, या फिर के पी, इसको किसी भी तरह लिख सकते हो आप। तो ये होता है, इस तरीके से हम इसको डिनोट करेंगे। अब सिमिलरली, अब ये इस रियल एग्जांपल के साथ देखो, तो अब वहीं पे यहाँ पे भी वही है, उसी तरह से यहाँ भी निकाला गया है, 110 है, 110, फिर यहाँ पे रिपीट नेक्स्ट वाला जो है 010 010, तो ये दोनों को छोड़ दिया गया, ये वाले को कंसिडर नहीं किया गया। फिर 1 से 0 को मल्टीप्लाई किया गया तो 0 आया, माइनस 0 इंटू 1 0, तो ये वाला क्या हो गया, 0 हो गया। फिर अब इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो 0 इंटू 0, फिर इसी तरह से किया तो ये वाला भी फेस क्या हो गया, 0 हो गया। सिमिलरली जब यहाँ पे करोगे तो ये 1 आएगा, तो ये यहाँ से तो यहाँ से क्या आया हमारा आंसर, 001। मतलब कि इन दोनों फेस को जो जोन रिप्रेजेंट करता है वो क्या होता है, वो होता है 001, ओके। तो यहाँ पे 001 क्या हुआ, ये वाला एक्सिस जो सी एक्सिस है वो क्या है, 001 है, तो ये वाला उसका जोन हो गया। अब देखो, जैसे कि डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि उस लाइन के पैरेलल होगा उसके एजेस, तो ये एजेस हैं और इस लाइन के पैरेलल है, तो यहाँ से डेफिनेशन भी डिफाइन होता है और जो कैलकुलेशन का मेथड है वो भी डिफाइन होता है। अब चलो थोड़ा सा एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्या मिस्टेक्स करते हैं लोग, वो मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। देखो अभी कभी कभी नेट के एग्ज़ाम में क्या होता है ना, आपको इस तरह के क्वेश्चन होंगे, डायग्राम इस तरह का बना होगा, और क्या होता है कि हम जल्दीबाजी एग्ज़ाम में क्या करते हैं कि अरे लगता है बहुत ईजी है ये, हम जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में कुछ चीज़ें मिस कर जाते हैं। हम क्या करते हैं, ये वाला इसको बिना नोटिस किए हुए, अगर किसी ने इसको नोटिस नहीं किया, उसको लगा उसको कॉन्सेप्ट पता है, डेफिनेशन पता है कि जिस भी लाइन के पैरेलल होगा उसका एजेस वही उसका जोन को डिफाइन करेगा। तो यहाँ पे तो सीधा लगेगा कि अरे ये तो बी एक्सिस है, ओके, क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस के रेफरेंस में बी एक्सिस है ये, और ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन जो है इसके बी के पैरेलल है, तो वो फटाक से क्या करेगा, लिख देगा उसको 010। ये अगर लगा दोगे ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले अगर स्टार्टिंग में भी मान लो कि आप कभी प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, अगर कोई क्रिस्टल या मिनरल आपके हाथ में आता है तो उसको सबसे पहले उसके क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को डिफाइन करना होता है, उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज करना होता है, फिर हमें उस पर पता होना चाहिए कि उसका ए डायरेक्शन, बी डायरेक्शन और सी डायरेक्शन कौन सा है, उसके बाद ही कोई हम उसका मेजरमेंट या एनालिसिस किया जाता है। तो इसलिए क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस जो है इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो एक तो सबसे पहले आपको किस क्रिस्टल सिस्टम में बिलोंग करता है, फिर उसका आपको रिलेशन पता है, तो आप उसको मतलब एक डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू आप क्रिस्टल का एनालिसिस करते हैं। तो ये थे कुछ डाउट। अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे हम बार बार बात आ रही है फेज की, है ना, दूसरा क्या, हम जोन को डिफाइन कर रहे हैं। तो इन दोनों का लिखने का तरीका, जो हमने ये लिखा था, ये दोनों क्या है, फेज है, तो फेज को क्या स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं, ओके, और जोन को क्या करते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। एक और टर्म होता है, वो क्या होता है, जो कि हमने डिस्कस किया था पहले भी, फॉर्म, है ना, फॉर्म को क्या करते हैं, इसको हम कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं, ओके। तो ये तीन चीज़ें हैं जिसमें कि कन्फ्यूज़न होता है और गलतियां करते हैं हम अक्सर अपने एग्ज़ाम में। देखो अब क्या होता है, इसको याद करने का छोटा सा मैं ट्रिक बताता हूँ, आप अपना भी ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखो फेस में क्या होता है, जैसे कि फेस बोला हमने, है ना, तो क्या है, फेस बनाओ एक, आप कोई सा भी फेस बनाओ। तो देखो अब इस फेस में क्या आया, ये देखो कर्व वाला आया, ओके, स्मॉल ब्रैकेट से ही तो फेस बन रहा है। तो एक तो यहाँ से अब हम कभी नहीं भूलेंगे, अगर फेस आया तो उसको हम स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे, जो भी होगा उसका फेस, जो भी वैल्यू होगा बीच में वो हम लिखेंगे, ओके। अब जोन की बात करें, जोन को कैसे, देखो जेड आता है जोन में, तो सिंपल इस जेड को ऐसे मिला दो आप, है ना,
तो इतना तो याद रख सकते हैं, या फिर आपको अपना कोई ट्रिक लग रहा है तो आप उसको भी याद रख सकते हो। अब एग्ज़ाम में क्या होता है कि मान लो कि जैसे ये आंसर हमारा ये कैलकुलेट करने दिया था, ये आंसर तो हमने निकाल लिया 001 है ना। अभी क्या है, हमारे ऑप्शन में ऐसे लिखा हुआ है 001, एक तो है इस तरह लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है 001। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर ए होगा या बी होगा, है ना। तो क्योंकि ये जोन के बारे में पूछ रहा है, अगर हमें याद होगा कि नहीं, उसको तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, इस तरह से डिनोट करते हैं, तो सिंपल सा आंसर उसका क्या ए वाला लगाएंगे, ना कि बी वाला। तो इसलिए ये फेस, जोन और फॉर्म को किस तरह से डिनोट करते हैं, कैसे उसको लिखते हैं, ये हमेशा याद होना चाहिए आपको। तो फेस नहीं भूलेंगे, एक फेस बनाया हमने तो फेस को स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं, जोन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, और फॉर्म जो होता है उसको भी हम कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। नाउ द इम्पॉर्टेंस ऑफ जोन। जोन सिंबल्स देयर फोर आर ऑफ्टन यूज टू डिनोट डायरेक्शन थ्रू द क्रिस्टल। ओके, बींग एबल टू स्पेसिफाई डायरेक्शन इन क्रिस्टल इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल डिपेंड ऑन डायरेक्शन। तो क्या होता है, क्योंकि जोन क्या एक डायरेक्शन को बताता है, एक लाइन होता है जोन, वो उसके डायरेक्शन को बताता है, और बहुत सारे प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो डायरेक्शनल बेस्ड होते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी क्रिस्टल में हम बताएंगे कि इस डायरेक्शन में ये इसका प्रॉपर्टी होता है। तो एक प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए एक डायरेक्शन चाहिए होता है, और वो डायरेक्शन क्या जोन बताता है हमें। तो ये जो डायरेक्शनल बेस्ड प्रॉपर्टीज होते हैं इसको क्या बोलते हैं, वेक्टोरियल प्रॉपर्टीज। तो अब वेक्टोरियल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं कि देखो, देयर आर टू काइंड ऑफ वेक्टोरियल प्रॉपर्टीज, दैट इज कंटिन्यूस वेक्टोरियल प्रॉपर्टी, डिसकंटिन्यूस वेक्टोरियल प्रॉपर्टी, है ना। अब कंटिन्यूस वेक्टोरियल प्रॉपर्टी में क्या है कि किसी भी क्रिस्टल या मिनरल के अंदर आप किसी भी डायरेक्शन में देखोगे तो वो प्रॉपर्टी क्या होगी, एग्जैक्ट सेम होगी। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हार्डनेस ले लो, कोई भी मिनरल क्या होता है कि हर एक डायरेक्शन में सेम होती है। अब यहाँ पे कुछ कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कि काइनाइट का एक एग्जाम्पल होता है कि उसका अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग हार्डनेस होते हैं। देयर आर सम एक्सेप्शन ऑलवेज। देन सेकेंड प्रॉपर्टी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन एंड कंप्रेसिबिलिटी, एंड अदर इज डिसकंटिन्यूस वैक्टोरियल प्रॉपर्टीज। अब डिसकंटिन्यूस क्या होगा कि आप डिफरेंट डायरेक्शन में जाओगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी मिलेगी। जैसे कि क्लीवेज है, तो हो सकता है इस डायरेक्शन में क्लीवेज है, इस डायरेक्शन में नहीं है, या फिर इस डायरेक्शन में से किसी दूसरे टाइप का क्लीवेज है, इस डायरेक्शन में किसी दूसरे टाइप का क्लीवेज है, तो ऐसा हो सकता है। ग्रोथ रेट भी क्या होता है, वो डिफरेंट होता है डिफरेंट डायरेक्शन में। इसलिए कोई मिनरल आप देखोगे कि एक डायरेक्शन में ग्रो कर गया, दूसरे डायरेक्शन में ग्रो नहीं करता है, तो ये इसलिए ये डिसकंटिन्यूस वेक्टोरियल प्रॉपर्टी होता है। सॉल्यूशन रेट ये भी इसका एग्जाम्पल है। तो ये यहाँ से आप ये सारे एग्जाम्पल याद रखोगे। कभी कभी एग्जाम्पल पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि कौन सा वेक्टोरियल प्रॉपर्टी है इनमें से, तो ये सारे एग्जाम्पल जो है वेक्टोरियल प्रॉपर्टीज़ के हैं। तो आई होप आपको जोन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे कभी भी कोई डाउट नहीं आएगा, अगर शॉर्ट नोट्स में आता है, ऑब्जेक्टिव इससे रिलेटेड कोई भी आता है, तो आई होप कि आप आराम से अब इसको सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्रिस्टल हैबिट के बारे में। बहुत छोटा सा टॉपिक है और लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड बी सेफ, कीप योर फैमिली सेफ़।